कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। तू माटी से पैदा हुआ है, पांचों तत्वों से तू पैदा हुआ है और पांचों तत्वों में तू मिल जाएगा। कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा, तेरा कर्म तेरे साथ, जो तूने कर्म किया है। आज हम लोग पिंगलवाड़े में जाकर देखें, आज हम लोग पिंगलवाड़े में जाकर देखें, वो भी तो किसी मां का बेटा है ना, वो भी तो किसी बाप का बेटा है ना, पिंगलवाड़े में जो पड़ा हुआ है, वो भी किसी भाई का भाई है, किसी बहन का भाई है, जो पिंगलवाड़े में पड़ा हुआ है। उसे कोई पता नहीं है कि जन्म देने वाली मेरी मां कौन है, पालने वाला मेरा पिता कौन है, मेरा कोई भाई है कि नहीं है, मेरी कोई बहन है कि नहीं है, मेरा कोई संसार में है कि नहीं है। पिंगलवाड़े में जाकर देखना उन लोगों से, पिंगलवाड़े में जाकर देखना, और उनकी तरफ जब आप देखोगे तो तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे कि वारे दुनिया बनाने वाले, हे गोविंद, हे गोपाल, ये क्या तूने दुनिया बनाई है कि यही कर्म इंसान भोग कर आया है। आज जो मैं संसार में भोग रहा हूं, इस मनुष्य योनि में जो मैं भोग रहा हूं, ये मेरे पिछले जन्म का कर्म है। कोई लंगड़ा है, कोई काना है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, उनसे पूछकर देखना कि वो क्या बुरा कर्म करके आए। और तुम्हारी जवान सही है, तुम्हारी देखने वाली आंख दोनों सही हैं, सुनने वाले कान तुम्हारे सही हैं, शरीर तुम्हारा सही है, तो कभी जाकर मंदिर में अपने गोविंद के चरणों में उसका शुक्रिया जरूर अदा करना कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, शुक्र है जो मेरा कोई कर्म ऐसा नहीं निकला कि मेरे शरीर का एक एक अंग सही है। जो उसका बनाया अंग है, अगर उस अंग में थोड़ी सी चोट लग जाए, जो तुम्हारे असली दांत हैं, इनसे तुम गन्ना चूप लो, कुछ भी खा लो इनसे तुम, लेकिन अगर नकली दांत लग गए तो तुम्हारा स्वाद बिगड़ जाएगा, तुम्हारा स्वाद बिगड़ जाएगा, तुम्हारे शरीर का कोई अंग बिगड़ गया, डॉक्टर कहता है कि इसमें प्लेट डाल दो, ये चलने लड़ पड़ेगा, लेकिन उसकी चलने की जो दृष्टता है वो चेंज हो जाएगी, वो नहीं चल पाएगा जो वो पहले चल रहा था। इसलिए अपने कर्म को पहचानो, मेरा कर्म क्या है, कि कुछ रब का नाम लेकर देख देना चाहिए, कुछ उसके नाम की माला फेरनी चाहिए, कुछ उसके चरणों में समय अवश्य निकालना चाहिए कि पता नहीं कब मेरे श्वास निकल जाएं। किसी को श्वास का मालूम है कि मेरे श्वास कब निकल जाएं तन से? कोई है किसी को मालूम? किसी को मालूम नहीं। शरीर मेरा कब साथ छोड़ जाए किसी को मालूम नहीं है। और इन कानों से हरि नाम की कथा सुनने को मिल जाए तो वो पुण्य की बात है, इन आंखों से गोविंद नाम देखने को मिल जाए वो पुण्य है, इस शरीर से उसके दर पर जाना मिल जाए तो ये पुण्य है।